ये चीज तो सभी जानते हैं, जितने जनता है सभी जानते हैं कि सेक्स क्या होती है, लेकिन वो तो ओपन बोला। प्रचार क्यों करवाया जा रहा है मैडम, ये बताइए मुझे। गंदा गंदा लवज क्यों करवाया जा रहा है, प्रचार क्यों करवाया जा रहा है? नीतीश कुमार जो बोले हैं वो सही बोले हैं या गलत बोले हैं? क्या बोले हैं? नीतीश कुमार जो ये सेक्स के प्रक्रिया जो अपना बयान दिए हैं वो क्या सही लग रहा लगा आप लोगों को? हम लोग को सुनने में तो बहुत खराब लगा, वो बहुत गंदा है। एक बिहार के मुखिया होने के नाते इस तरीके के भाषण देने का बहुत, वो हर एक महिला पे वो टारगेट कर गए, मतलब कि हर एक हम लोग का सबका बेइज्जती हुआ वहाँ पे। हम लोग सुने तो हम लोग यानी कि ईयरफोन लगा के सुने, इतना गंदा शब्द लव जी इस्तेमाल किए है ना कि क्या बोला जाए। एक देश के नेता होके जाने माने चेहरा होके जब ऐसा सवाल करेंगे, ऐसा मुद्दा ऐसा चीज बोलेंगे तो फिर आम जनता का क्या? आम जनता इसीलिए ना उनको आगे बढ़ाई है, कुर्सी दी है। क्या हमको ही बताइए ना, नीतीश कुमार बोले क्या? आप नहीं सुने नीतीश कुमार जो बोले हैं वो क्या बोले? वो पूरा सेक्स के प्रति बोलते हैं कि सुनिए वो क्या बोले कि ऐसे डालना है ऐसे निकालना है ये सब जो इस तरीके का जो भाषण क्या वो सेक्स के प्रतिक्रिया वो अपना दी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। डालना निकालने मतलब क्या होता है? क्या होता है आप बताइए, आप बताइए। डालना निकालने मतलब क्या होता है बता रहे हैं? इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया बातों को, इस तरीके से एक्सप्लेन किया। आप नहीं सुने हैं? आप लोग सुने हो ना भाई, आप पत्रकार हो ना। हम तो सुने हैं लेकिन देखिए सुनिए, हम सुने हैं लेकिन हम एक महिला के सामने पूरा ओपन नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो यार, सेक्स करते हैं शादी करने के बाद या नहीं करते हैं? करते हैं ना, तो सेक्स सबके सामने नहीं करते हैं ना। अरे नीतीश कुमार जो बात कही है, इससे पहले जब हमारे पास कॉन्डम नहीं था, क्या कॉन्डम की बात कोई लेता है क्या बताइए? अपने घर में जब अपनी माता और बहनों का पीरियड चल रहा होता है तो उसको सैनिटरी पैड लाकर देते हैं क्या? सरकार लाखों करोड़ों रुपए बजट लाकर कॉन्डम और सैनिटरी पैड को लेकर प्रचार कर रही है, आप कैसा पत्रकारों के बताओ? तो सरकार को यही काम रह गया है। नीतीश कुमार ने उस भाषा का इस्तेमाल किया है जो नीतीश कुमार की जो गाँव कस्बे में जो लोग होते हैं उसकी भाषा में बात किया। अगर नीतीश कुमार अगर अफ्रीका वाला भाषा में बोल रहे होते, अगर उड़िया भाषा में बोल रहे होते तो क्या बिहार के लोग जो गाँव में रह रहे लोग क्या वो समझ पाते? अरे वो बिहार है ये जहाँ 80% लोग हमारे गाँव में बसते हैं, 80%। और अभी जो विकास सेंसर जो सर्वे आया उस सर्वे में देखिए हमारे एजुकेशन का स्तर क्या है। जब नीतीश कुमार अपने जगह पे सही है, जब एजुकेशन बढ़ेगा नहीं, लड़कियां पढ़ेगी नहीं, तो यही बता रहे थे ना, जब लड़कियां हमारा पढ़ना शुरू कर दे तो 4% से लेकर 2% आ गया जो जनसंख्या ग्रोथ रेट आ गया है। तो जनसंख्या ग्रोथ रेट जब का कमा है ना भाई, तो वही तो एक्सप्लेन कर रहे थे नीतीश कुमार पार्लियामेंट में। बिहार के मुख्यमंत्री का काम यही रह गया है। अरे मुख्यमंत्री का काम क्या है ये, मतलब पूरा क्या है मुख्यमंत्री? सुनिए विधानसभा किसको कहते हैं बताओ मुझे? विधानसभा में अपने सुनिए, आप नीतीश कुमार अपने बहन बेटी को ऐसा व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली बताओ मुझे? नीतीश कुमार अपने बहन बेटी को सामने ऐसा क्या बात कर दो? कैसी बात किया भाई, कैसी बात? सेक्स के प्रति जो, अरे सेक्स के प्रति बात नहीं करेगा नीतीश कुमार, क्या बात कर रहे हो? अगर एक मुख्यमंत्री, अगर देश का जब प्रधानमंत्री ऐसा घटिया सोच रख सकते हैं, घटिया बोली बोल सकते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री ऐसा लवज बोले, ये सुनने में कितना खराब लग रहा है, कितना घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल किया। क्या बोला, क्या बोले आप? लग रहा है आप बोलिए, आप बोल रहे हैं आपको गलत लग रहा है, आप एक महिला हो गया आप बोल रहे हैं गलत लग रहा है। एक मिनट भैया, आप लोग यहाँ पर सब भाई लोग है ना, सभी लोग तो जान रहे हैं सेक्स के बारे में। पानी गिरेगा कंपनी में, नीतीश कुमार ने क्या कहा? पानी गिरेगा मतलब अस्पम गिरेगा, पानी को अस्पम बोलते, बोले की करो पर अंदर मत ला बाहर निकाल, मतलब क्या है अस्पम? अस्पम होता है अगर इंग्लिश में बोले उसको तो। एक ऐसे जानता है कि बेटा शादी के बाद क्या करेगा लेकिन इन्हीं ने नकल लंग, माफी मांगे ना हुआ के गांजा वाला नशा में जो थे ना, नशा उतर गया ना, तुमको रिलाइज हुआ? अरे नहीं, सही बात गलत बोल। इनका कहना है कि नीतीश कुमार गांजा पी के बोल रहे हैं, बोलिए क्या चीज? चांदी का चिलम नहीं मिला था, मट्टी वाला मिल गया था, मगज पर चढ़। लॉजिकली बात करिए, लॉजिकली सुनिए, आप सुनिए ना, ये चीज तो सभी जानते हैं, जितने जनता है सभी जानते हैं कि सेक्स क्या होती है, लेकिन वो तो ओपन बोला। प्रचार क्यों करवाया जा रहा है मैडम, ये बताइए मुझे। गंदा गंदा लवज क्यों करवाया जा रहा है? प्रचार क्यों करवाया जा रहा है? सुनिए इनका भी बात सुनिए, एक कॉन्डम का प्रचार क्यों करवाया? सुनिए इनका, आज महिला को महावारी आता है, महिला को महावारी आता है, अरे महिला को महावारी आता है या नहीं आता? और महावारी जब चलता है, महावारी जैसा है,
सैनिटरी पैड को लेकर कितना भर लिया से बताइए मुझे। अरे देश के अंदर महिला या आधी महिला हमारे जो कपड़े यूज कर रही होते पीरियड में कपड़ा यूज करते हैं जिसके कारण। तो जब सही था नीतीश कुमार तो माफी क्यों मांगे? सही थे तो माफी। अगर मैं सैनिटरी पैड क्या बोल रहा हूँ ये बताइए कि पेरेंट्स बाल बच्चा को शादी करता है तो वो जानता है कि घर में जाके क्या करेगा, था वो फिर डाइनिंग हॉल में करना चालू कर दे। कॉन्डम का प्रचार हो रहा है, नियंत्रण को ले कॉन्डम का प्रचार में, कॉन्डम का प्रचार में एक क्यों नहीं बोलता, कॉन्डम के प्रचार में एक क्यों नहीं बोलता कि इस तरह से लगाना है, इस तरह से पैड के बोलता है सैनिटरी पैड के बारे में क्या बोला नीतीश कुमार ने, क्या बोला कॉन्डम का प्रचार नहीं बोलता है, क्या इसे पहनना है, इसे खोलना है, इसे घुसाना है, ये देखिए हमारे पढ़ाई करवाई जाती है, सेक्सोलॉजिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर होता है दोस्त, आप समझो इस बात को, एमबीबीएस डॉक्टर होता है, बात करोगे हमसे बात कीजिए, हेलो पढ़ाई बंद करवा दो मुझे, क्या बात कर रहे हो? ये तो गलती है कि नीतीश कुमार को भोजपुरी भाषा में बोलना चाहिए था, नीतीश कुमार का इसलिए इसलिए कि ये बिहार भोजपुरी को समझता है। देखिए ऐसे जो बोले वो समझिका भी बोलता है, वजिका भी बोलता है, नीतीश कुमार का जो बोलने का तरीका था वो गलत है। गांव की भाषा में कोई बात अगर समझाया जा रहा है कुछ दिन में विधानसभा में ओपन करा के बताया जाएगा जनता को कैसे करा विधानसभा में। अरे इनके इनको बात समझ में नहीं आने वाला है, इनको बात समझ कहीं पे बहु बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है उसका उसके लिए कोई खोजने वाला नहीं है, ये तो बोल करके समझाया है पब्लिक को, इसके लिए इतना बड़ा उतावला। ये सही किया है नीतीश कुमार जो बोला है जिस तरीके बिल्कुल सही किया है। आप अपने घर में अपने बेटी बहन के सामने ऐसा बोल, अगर वो मूर्ख होगा तो उसको ऐसे बताया जाएगा। नीतीश कुमार मूर्ख है, देश के मूर्ख के मुखिया जी, अगर घर की बहू बेटी अगर मूर्ख होगी तो उसे ऐसे बताया जा सकता है? आपके हिसाब से जो बोले वो सही बोले? नीतीश कुमार जी का कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार के एक गलती पूरा अच्छाई को खत्म नहीं कर सकता। अरे जवान फिसल गया, उन्होंने बोल दिया पूरे बिहार में, सुनिए पूरे बिहार में कितना एलिवेटेड ब्रिज बनाया इसके बारे में आप लोग काम मरते चलाए कि नीतीश कुमार कितना काम किया बिहार में, कितना ब्रिज किया ये भी गिने जी, इतना गिरा ये भी गिने। अरे यार जब बन रहा है तो बड़ा गिरा, आप बताइए गिरा, आप बोल बनाने की बात कर रहे हो गिरा। अरे पत्रकार होकर तुमने क्या सवाल पूछा? आप बोले कितना बना, 17-18 साल से बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन की सरकार थी, कभी बीजेपी से जाकर पूछा कर बताओ बिहार के अंदर विश्वविद्यालय की हालत इतनी खराब है, कभी जाकर मंगल पांडे से पूछा जाकर पीएमसीएच की हालत इतनी खराब क्यों है? जब सवाल जब पूछा जाएगा तो कहोगे मुंह में दही जम गया है। आप बोल रहे कितना बना तो कितना गिरा उसका कौन जवाब दे? अरे गिरा अभी देखो तो उत्तराखंड में सरकार किसकी है, उत्तराखंड में सरकार किसकी है? बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में गिर गया, कितने लोग मिट्टी हो गए उस टनल के कारण, उस टनल जो गिरा है एनएचआई के, आप यहाँ जो ब्रिज गिरा जे ना एनएचआई के टेंडर के करता है, कौन करता है? भारत सरकार करता है, नितिन गडकरी उसका देखरेख में है, किसके देखरेख में? अरे भाई एनएचआई टेंडर करता है उसका, वो ठेकेदार उसको ब्लैक लिस्टेड करे, गिरा किसके किसके सर पे आएगा उसका, क्यों गिरा उसका अपना कैसे है, उसका अपना सब चीज है। अब बिहार पर बिहार सरकार के जितना भी एलिवेटेड ब्रिज बना यही ऐतिहासिक काम है जो बोल रहे हैं, काम करके दिखाया है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम आज हुआ है। देखिए 75% रिजर्वेशन दे दिया है, पूरे भारत में पहला राज्य हमारा बिहार है जहाँ 75% आरक्षण देने का काम किया, 75% आरक्षण दिया, इसके लिए महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, इस पे चर्चा नहीं है, इस पे चर्चा नहीं है। और बिहार एक अपमान किसे कहते हैं? अगर महिला को सामने खड़ा करके उसे बोला जाए भवन में महिला नहीं जाए तब वो अपमान हुआ, ये अपमान नहीं हुआ, ये हुआ एक अपमान हुआ है, जिनके हिसाब से सम्मान हुआ।